यह घटना तब की है जब ओशो कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया करते थे। रोज की तरह वो कॉलेज गए। कक्षा में प्रवेश करते ही उनकी नज़र कॉलेज के रजिस्ट्रार साहब पर पड़ी। आज रजिस्ट्रार साहब बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वो बुरी तरह से घबराए हुए थे। ओशो उन्हें देखते ही समझ गए कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। वे कक्षा खत्म होते ही रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए। रजिस्ट्रार साहब के दिल में ओशो के लिए प्रेम और आदर था। उन्होंने जैसे ही ओशो को देखा तो उन्हें बड़ी राहत मिली। ओशो ने उन्हें पूछा कि क्या हो गया है। ये सुनते ही रजिस्ट्रार साहब बोले कि भूत प्रेत। उन्होंने ओशो से कहा कि मेरे पीछे भूत प्रेत पड़े हैं, कृपया मुझे उनसे बचाओ। मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ, सोया नहीं हूँ। मेरी हर रात दहशत में गुजर रही है। घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। घर की कुछ चीज़ें अचानक से गायब हो रही है और फिर अचानक से फिर प्रकट हो रही है। कभी पर्दों में आग लग जा रही है। ऐसे कई डरावनी घटनाएं रोज रात मेरे घर के एक कमरे में हो रही है। कृपया मुझे इससे बचा लीजिए, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैंने इस प्रेत बाधा से मुक्त होने के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये भूत मुझे छोड़ता ही नहीं। ये कहते हुए रजिस्ट्रार साहब बहुत घबरा गए और डर के मारे वो कांपने लग गए। लेकिन ओशो उन्हें बड़े आराम से सुन रहे थे, जैसे कि उन्हें इन घटनाओं का पहले से ही पता है। ओशो ने रजिस्ट्रार साहब से कहा, आज रात मैं उस कमरे में सोऊंगा जिस कमरे में भूत रहता है। रजिस्ट्रार साहब ने ओशो की तरफ चौंक कर देखा। उन्होंने डरते डरते ओशो से कहा कि उस कमरे में कोई भी नहीं सोता, वो कमरा तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। ओशो ने कहा कि मुझे आज रात वही गुजारनी है, मैं भी उस भूत को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रजिस्ट्रार साहब सख्ते में आ गए। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना नीडर भी हो सकता है। उनके निकटतम सहयोगी और रिश्तेदार इन घटनाओं के चलते उनसे दूरियां बनाने लग गए थे, और एक ओशो थे जो जलती आग में कूदने को तैयार थे। ओशो ने उनसे आगे पूछा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? वो बोले, 3, मेरी पत्नी, मैं और मेरी बेटी। ओशो ने कहा, ठीक है, तो क्या मेरे सोने की व्यवस्था आप कर सकते हैं उसी कमरे में जिस कमरे में भूत है? रजिस्ट्रार साहब बोले, जी ज़रूर। ओशो रात को रजिस्ट्रार साहब के घर पहुंच गए। वो अकेले उस रात उस कमरे में चले गए। फिर वो वहां भूत का इंतज़ार करने लग गए। उन्होंने कमरे में अंधेरा कर दिया। समय बीतता गया, मध्य रात्रि हो गई, और अचानक ओशो को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में किसी का समावेश हुआ है। अंधेरा होने के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एक माचिस की तिल्ली जल गई। माचिस की रोशनी में ओशो ने देखा कि एक लड़की एक हाथ में साड़ी लेकर और एक हाथ में आग लेकर साड़ी को जला रही है। ओशो ने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो बस देख रहे थे। उस लड़की ने उस साड़ी को आग लगा दी और किसी रोबोट की तरह वो उस कमरे से बाहर चली गई। ओशो ने तुरंत वह आग बुझा दी और किसी से भी कुछ नहीं कहा। जब सुबह हो गई तो ओशो के लिए रजिस्ट्रार साहब की बेटी चाय लेकर गई। ओशो ने जैसे ही उस लड़की को देखा,
ओशो ने उसे पहचान लिया कि यही वो लड़की है जिसने रात को साड़ी में आग लगाई थी। ओशो उससे बात करने गए। ओशो ने उस लड़की से बातचीत की, तब ओशो को पता चला कि उस लड़की को रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उस लड़की ने साफ साफ ये मानने से इनकार कर दिया कि उसी ने रात को साड़ी में आग लगा दी थी। जिसे रजिस्ट्रार साहब भूत प्रेत समझ रहे थे वो असल में उसकी बेटी ही जाने अनजाने में कर रही थी। वो रात में नींद में ही चलने लगती, मंदिर में जाती थी और वहाँ से माचिस उठाकर उस कमरे में जाती थी और वहाँ किसी कपड़े को किसी वस्तु को आग लगा देती थी। लेकिन उसे खुद भी इस बात का पता नहीं रहता था। उसकी आंखें खुली तो रहती थी लेकिन वो लड़की बेहोश रहती थी, नींद में रहती थी। जब ओशो ने यह पूरी सच्चाई रजिस्ट्रार साहब को बताई तो वे हैरान हो गए। उन्हें उन पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बेटी 13-14 वर्ष की ही थी और बड़ी भोली थी, संस्कारी थी। ऐसा ये लड़की भला क्यों करेगी? ये प्रश्न रजिस्ट्रार साहब को परेशान किए जा रहा था। ओशो ने उनके परेशानी समझते हुए आगे की बात उन्हें बताई, जिसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ओशो ने उनकी बेटी को कुछ दिन के लिए हॉस्टल भेजने को कहा। रजिस्ट्रार साहब ने भी ओशो पर भरोसा करते हुए बेटी को कुछ दिन के लिए हॉस्टल भेज दिया। बेटी घर से जाने के बाद ही सारी घटनाएं घटना बंद हो गई, सब सामान्य हो गया। तब उस लड़की को घर वापस लाया गया, लेकिन उस लड़की को इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब ओशो ने रजिस्ट्रार साहब से एक रात को उसके बेटी का एक पाँव बांध के रखने का सुझाव दिया। रजिस्ट्रार साहब ने वैसा ही किया। उन्होंने रात को उनकी बेटी सोने के बाद उसका एक पैर पलंग से बांध दिया। जब मध्य रात्र हुई तब फिर से वह लड़की एक रोबोट के जैसी उठी, लेकिन उसका एक पैर बंधा होने के कारण वो खड़ी नहीं हो पाई और इसी कारण उसे एकदम होश आ गया, उसकी नींद टूट गई और तब यह बात साफ हो पाई और इस परिवार से डर का माहौल, भय का भ्रम हमेशा के लिए दूर हो गया। दोस्तों, ओशो ने खुद यह कहानी अपने प्रवचन में बताई है। उनका कहना था कि जब एक बालक या बालिका का यौवन आरंभ होता है तो आंतरिक ऊर्जा का तेजी से विस्तार होता है। शरीर के लिए ये एक बड़ा बदलाव होता है। ऐसी अवस्था में युवक या युवती कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनके स्वभाव से हटकर हो, जैसे कि इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। ओशो कहते हैं, जीवन ऊर्जा खेल है। जो ऊर्जा का सही संचालन करते हैं वे इस दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब तक इंसान को पूरी बात पता नहीं रहती, पूरा सच पता नहीं रहता, तब तक केवल विचार के द्वारा वह कैसे खुद को दुखी कर लेता है, कैसे खुद को भयभीत कर लेता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी से क्या सीखे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।